नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो कि ज़्यादातर बार पूछा भी जाता है डॉक्टरों से और पेशेंट के अपने से ही दिमाग में आता है, ख्याल में आता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं उनके, कि ब्लड प्रेशर तो अब मेरा ठीक हो गया है, दवा दिया डॉक्टर ने, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक हो गया, क्या अब मैं ये दवा बंद कर दूँ। काफ़ी सारे लोग अपने मन से दवा बंद कर भी देते हैं, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि क्या आप दवा बंद कर सकते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर तो काफ़ी दिनों से ठीक है, 6 महीने से ठीक है, 1 साल से ठीक है, 2 साल से ठीक है, इसी के बारे में आप लोगों को जवाब देता हूँ। ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा, वो काफ़ी अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग डोज में दी जाती हैं, पर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, उससे जो सिम्टम्स आता है उसको कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए नहीं ठीक करती हैं। इसलिए आपको अगर ब्लड प्रेशर की दवा खाने से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है तो कभी भी दवा अपने मन से ना बंद करें। ऐसा हो सकता है कि 100 में से 3, 4 या 10% लोग ऐसे हों जिनकी दवाई हो सकता है बंद हो जाए, पर ऐसा करने के लिए आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक करना पड़ेगा, और ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर किसी स्पेसिफिक कारण से रहा होगा, अब वो कारण ठीक हो गया, जैसे किसी को मोटापे के कारण था, या स्ट्रेस के कारण था, या ज़्यादा नमक खाने के कारण था, या सिडेंट्री लाइफ बिताते थे, ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे तो फिजिकली एक्टिव हो गए, खाने में बदलाव हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, अच्छी नींद मिलने लगी, तो हो सकता है कि लंबे समय में कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि 100 में 2, 4, 10% ऐसे लोग हों जिनका बीपी नॉर्मल रह सकता है, पर अपने मन से ये काम कभी नहीं करना है, क्योंकि अपने मन से आप जैसे ही ब्लड प्रेशर की दवा बंद करोगे ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़े और हर बार लक्षण ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि ज़्यादातर बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कोई लक्षण नहीं है। ब्लड प्रेशर जब लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो वो किडनी को ख़राब कर देता है, आँखों को ख़राब कर देता है, दिमाग में ब्रेन के अंदर लकवा मार जाता है, हार्ट के अंदर अलग तरह के बदलाव करता है, हार्ट के अंदर इस्कीमिक अटैक भी हो सकता है, हार्ट का साइज पर भी असर डालता है, और शरीर में और भी बहुत सारी जगह पर इसका बुरा असर होता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कभी आपको लगे कि ये ब्लड प्रेशर की दवा खाने से मेरा बीपी ठीक रहता है, बहुत दिनों से ठीक है, ये अब मेरा बीपी कम होने लगा हो, कोई ऐसे लोग हो जिनको ब्लड प्रेशर दवा खाने से बीपी कम होने लगा हो, तो ज़रूर डॉक्टर से जाके संपर्क करके बीपी की दवाई की डोज को कम कर सकते हैं, पर बंद कभी ना करें, ये मेरी सारे लोगों को सलाह है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है। उसके पीछे की वजह मैंने ये बताया कि ये जो बीपी की दवाइयाँ अलग अलग तरह की एलोपैथिक की रहती हैं, ये बीमारी को ठीक नहीं करती हैं बल्कि लक्षण को कंट्रोल करती हैं। करती क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, आपके शरीर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होती है बेसिकली, जो ब्लड को हार्ट से लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों पहुँचाती है ताकि आपका शरीर अच्छे से काम करे। उसमें जो ब्लड का बहाव है वो ज़्यादा प्रेशर से हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ क्या करती हैं, जो बहाव है आर्टरी को डायलेट करती हैं ज़्यादातर, कुछ शरीर में से पानी निकालती हैं, कुछ हार्ट रेट को कम करती हैं, कुछ शरीर में जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन है, ADH इनके सेक्रेशन को कम करती हैं, कुछ है आपके शरीर में घबराहट को कम करती हैं, उससे ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, लेकिन जो आपका मूल कारण है वो तो वहीं के वहीं है, इसलिए ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल रहेगा दवाइयों के असर के कारण, लेकिन जो मेन कारण है ब्लड प्रेशर का वो सेम है। इसलिए बीपी की दवा चल रही है और आपको लगता है कि अब मेरा बीपी ठीक है या कम हो रहा है, तो आपको 3-4 बारी डॉक्टर के पास जाके विजिट करना पड़ेगा, वो आपकी दवाई को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, 2-3 दवाइयाँ चल रही हैं तो एकाध कर सकते हैं, काफ़ी दिन ट्रैक करने की ज़रूरत है। मान लो कोई ऐसे आदमी है जिन्होंने अगर ब्लड प्रेशर की दवाई अभी रिसेंट में छोड़ी है, तो मेरी आप सलाह माने कि ब्लड प्रेशर को आप ट्रैक करें, मॉनिटर करें हर दूसरे चौथे हफ्ते में एक बार, और डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट कराते रहें। ये कब बढ़ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और ये बढ़ा रहेगा, सालों साल बढ़ा रहेगा, जब शरीर का कोई हिस्सा ख़राब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आता है, सारे लोग पूछते भी हैं, और काफ़ी सारे लोग अपने मन से दवाइयाँ बंद भी कर देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।